दो दिवसीय फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी रात 9 बजे पेरिस के चार्ल्स डी गोल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक के बाद डेलीगेशन मीटिंग होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 26 अगस्त को पेरिस में मुलाकात होगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और ट्रंप मिलेंगे। इस द्विपक्षीय बैठक से पहले ट्रंप ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को लेकर मध्यस्थता करने के प्रस्ताव को रखने की बात कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया केस में रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार हो गए हैं। सीबीआई और ईडी पिछले दो दिनों से पूर्व वित्त मंत्री की तलाश कर रही थी, लेकिन कामयाबी बुधवार रात को मिली। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने राजनीतिक प्रतिशोध का मामला बताया है। सलमान खुर्शीद ने गुरुवार को कहा कि चिदम्बरम के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता, ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। सीबीआई की कार्रवाई दुखद है, मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो सीबीआई इंतजार कर सकती थी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि करप्शन को क्रांति में बदलने की कोशिश न करें, नहीं तो कांग्रेस का और बुरा हाल हो जाएगा। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में रविदास मंदिर को तोड़े जाने का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। नाराज दलित समाज के लोगों ने बुधवार को रामलीला मैदान में रैली करने के बाद तुगलकाबाद पहुंचे, वहां पत्थरबाजी शुरू कर दी और पुलिस ने इस मामले में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन की पैरोल अवधि बढ़ा दी गई है। मद्रास हाई कोर्ट ने नलिनी की पैरोल 3 सप्ताह बढ़ा दी है। उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए 1 महीने की पैरोल मिली थी जो खत्म होने वाली है। इससे पहले नलिनी ने 1 और महीने की पैरोल मांगी थी। इस अर्जी पर हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते की पैरोल और बढ़ा दी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जलपाईगुड़ी गैंगरेप मामले में कार्रवाई की अपील की है। दरअसल जलपाईगुड़ी जिले में महिला के साथ स्थानीय पंचायत सदस्य समेत 4 लोगों ने गैंगरेप किया था। पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में रातों रात वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की मूर्तियां स्थापित की गई। आर्ट्स फैकल्टी गेट पर डूसू अध्यक्ष शक्ति सिंह ने सोमवार देर रात इन तीनों मूर्तियों को लगाया था। अब NSUI ने इसके विरोध में वीर सावरकर की मूर्ति को जूतों की माला पहनाई और मूर्ति के मुंह पर कालिक पोती। ABVP ने प्रशासन से बिना अनुमति लिए यहां मूर्तियां स्थापित की थी। भारत में घरेलू पिच पर सर्दियों में इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए समर्पित सीजन को देखते हुए BCCI के टाइटल राइट्स में होने वाली कमाई में खासा इजाफा हुआ है। 2019-23 सीजन के लिए पेटीएम ने 326 करोड़ 80 लाख रुपए में टाइटल राइट को बरकरार रखा है। 2015-19 सीजन के लिए पेटीएम ने 203 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, यानी अब राइट्स के लिए BCCI को दी जाने वाली रकम में 58% बढ़ोतरी हुई है।